गुरुवार को सीमा शुल्क एवं सीजीएसटी भोपाल जोन द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अंतर्गत पुरावशेष हस्तांतरण समारोह का आयोजन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में हुआ। इस समारोह में वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ी। समारोह के दौरान 7 पुरावशेष को उचित प्रक्रिया के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल सर्कल को सौंपा गया। समारोह के दौरान भोपाल चीफ कमिश्नर सीपी गोयल ने बताया कि पुरावशेषों में शामिल कमल पर विराजित भगवान ब्रह्मा की मूर्ति, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के एक मंदिर का लिंटेल भाग समेत 5 अन्य देव मूर्ति 2017 में शिवपुरी जिले में जब्त की गई थी, जिन्हें सीजीएसटी एवं कस्टम नोडल अधिकारी आशीष रेधान द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल सर्कल को सौंपा गया। अध्यक्षता में ये समारोह हुआ। इसमें इंडिया के विभिन्न पोर्टों से पकड़ी हुई, स्मगलिंग के समय पकड़ी हुई पुरानी प्राचीन वस्तुओं को एएसआई को दिया गया। ये समारोह में 7 कस्टम्स कमिश्नरेट भी शामिल हुए और उसकी एक कड़ी में हम भोपाल जोन से भी हमने 7 प्राचीन वस्तुओं को सौंपा है एएसआई को। एएसआई के अधिकारी भी समारोह में शामिल थे और उनमें से 2 मूर्तियां बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इसमें एक विष्णु की मूर्ति है, एक लॉर्ड ब्रह्मा की मूर्ति है और दूसरी लॉर्ड विष्णु लिंटल का पार्ट है, वास्तु शिल्प का पार्ट है जिसको कि एएसआई को दिया गया। आज हमने 7 ऑब्जेक्ट रिसीव किए हैं, कस्टम ऑफिसर्स ने हमको हैंड ओवर किए हैं। इसमें से ब्रह्मा की एक मूर्ति है, बहुत ही अच्छी है, और कुछ स्कल्पचर और हैं। इस तरह से हम लोग इसको अब किसी म्यूजियम में हम लोग डिस्प्ले की योजना बनाएंगे और इसको सेफ कस्टडी में रखेंगे। अवेयरनेस होना इसलिए सभी लोगों को जानकारी हो और 2 विभागों के बीच एक समन्वय स्थापित हो। कई बार कस्टम ऑफिसर जूझते नज़र आते हैं, फिर हम लोग की सहायता से उसमें उनको मदद मिलती है, तो हम कस्टम ऑफिसर्स को भी हेल्प करते हैं और वो लोग हमारे एंटिक्स को, हेरिटेज को बचाने में हेल्प करते हैं। तो ये हम दोनों का समन्वय आवश्यक होता है, ये एक इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। और दूसरे ऑफिसर्स में आपस में सहयोग और समन्वय स्थापित हो और भारत की विरासत को हम लोग बचाएँ और सजोएँ।